शनिवार की दोपहर सदर अस्पताल में एक ऐसा मामला पहुंचा कि पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। महज 21-22 साल की युवती उपचार के लिए औद्योगिक थाना पुलिस द्वारा वहां लाई गई, जिसका गला रेत दिया गया था। चिकित्सकों ने जब उसकी हालत देखी तो आनन फानन में ओटी की तरफ दौड़े। सबने मिलकर उसका प्राथमिक उपचार किया। घंटों तक वह युवती अस्पताल में लावारिस बनी रही, क्योंकि उसे कोई पहचानने वाला नहीं था। उसे औद्योगिक थाने की पुलिस सारिमपुर पुल के समीप से सदर अस्पताल लेकर के आई थी। जब लगभग 2 घंटे उपचार के उपरांत उसे कुछ होश आया, तब उसने कागज़ पर लिखकर अपना नाम, पूरे परिवार का पता बताया। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। अपना नाम सीमा बताने वाली यह युवती इटारी के मुन्ना यादव की पुत्री है। इस सिलसिले में वहाँ मिले औद्योगिक थाने के एसआई से बात हुई। सूचना मिला तो हम थानाध्यक्ष के आदेशानुसार अविलंब उनको लेकर के आए और यहाँ पर भर्ती कराए। उनके परिवार सूचना दिया गया है, उनका परिवार पहुँच गया है। अब यहाँ से सड़क के द्वारा बाहर भेजा जा रहा है। अब ये लोग लेके जाएंगे, जब तक जाते जाएंगे तो हम यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, कहाँ किस अवस्था में मिली थी महिला? ये मिला था सारिमपुर में, पुल के नीचे से हम लोग उनको लाए उठा करके वहाँ से। कितने बजे घटना हुई? कहाँ की महिला है, पहचान हुई है सर? ये महिला इटाढ़ी थाना का है। इनका घर पड़ता है, इनका नाम सीमा देवी है और इनका घर पड़ता है नटवार, पिपरी थाना नटवार, जिला रोहतास की रहने वाली है। इनका घर पड़ता है यहाँ पर इटाढ़ी थाना में, माइका इटाढ़ी थाना में है। इनके पिताजी एवं भाई आ गए हैं। युवती को घायल अवस्था में सारिमपुर पुल से सदर अस्पताल लाने वाले औद्योगिक थाने के एसआई कुंदन कुमार के अनुसार इसकी सूचना उन्हें थानाध्यक्ष द्वारा दी गई। तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वह इटाढ़ी के मुन्ना यादव की पुत्री है। मुन्ना यादव से भी सिलसिले में बात हुई। हम लोग देखे तो पट्टी बांधा है गला पे। हाँ, गला पे। पूरा नाम बता दीजिए। मुन्ना से। कहाँ घर है आपका? इटाढ़ी। तो पुलिस की सूचना पे आप आए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ से पुलिस का सूचना मिला है, दूसरा से दिया है, तो हम लोग आए हैं। अभी इलाज के लिए कहाँ ले जाएंगे? अभी इलाज के लिए हम लोग कहाँ ले जाएंगे? आप लोग बोल रहे हैं कि ले जाना है पटना, तो हम लोग तैयार हैं, जैसे हैं तैसे आए। लड़की का नाम क्या है? सीमा कुमारी। सीमा देवी। कहाँ शादी किए थे? पीपर। तो लड़की का बयान है कि मैंने पति द्वारा ये हमला किया गया है। जो कहे रही वही बात में होगा सर। पति आया होगा रात में, तभी ना जो हो सकता है, हम लोग नहीं थे। पुलिस क्या बताएगी, कहाँ मिली है लड़की अभी घायल अवस्था में? अब तो पुलिस ही ना बताएगी कि हम लोग क्या बताएंगे। ठीक ठीक। चिकित्सकों से परामर्श के उपरांत सीमा से भी बात करने का मीडिया वालों ने साहस किया। बातचीत के क्रम में उसने बताया इस पूरी घटना का जिम्मेवार जयप्रकाश उसका पति है। हालांकि इसकी शादी रोहतास जिला के नटवार थाना अंतर्गत पिपरी गांव में हुई है। घायल सीमा ने जो कहा उसके कुछ अंश आप यहां सुन सकते हैं। कौन मारा था सर? मतलब हमारे साथ ऐसा रहा है ना कि हमारे शरीर में छटपटाने का तरह ले रहा है। हाँ। मतलब साथ में पति पत्नी का फर्क नहीं रहता है। जी जैसे लगता है कि कोई दूसरा भी है। जी हमेशा बलात्कार का तरह करता है। जी अच्छा, वो पति करता है? हमेशा उल्टा सीधा बोलता है, पागल है जी। सन की है, कुछ समझ में नहीं आता है इसको जी। तो ये घटना कैसे हुई है? घटना उसी की वजह से हुआ है। उसके वजह से? तो ये आपने अपने से किया या नहीं? उसी का है। उसी ने किया है? हमारे गांव में हमेशा आता है जी। काकू है क्या सर? चाकू से मार होते। पति का नाम क्या है आपके? जयप्रकाश। जयप्रकाश। आपका नाम? सीमा कुमारी। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही भरोसे वाला होता है, लेकिन जब आपस में दूरियां पैदा हो जाए तो स्थिति जान पर बन आती है, जैसा कि आज सीमा के साथ हुआ है। उसके अनुसार पति जयप्रकाश उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है। नतीजा आज वह अस्पताल में पड़ी है और अब पुलिस मुकदमे का इंतजार कर रही है। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।